यूपी में खाद का मुद्दा सियासी हो चुका है और जहां एक तरफ किसान सड़कों पर आ चुके हैं तो वहीं सरकार विरोधी दलों ने हमले और भी तेज कर दिए हैं। ये भीड़ राशन के लिए नहीं उमड़ी है बल्कि उस खाद के लिए बेचैन है जिसे खेतों में अनुपजेगा। देखिए कैसे लोग लाइन में लगे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें संभल की है जहां खाद क्रय केंद्र पर भीड़ बेकाबू हो। अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग जब थक गए तो अधिकारियों से भिड़ने लगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोग खाद की किल्लत से परेशान हैं। हालांकि ज्यादातर जिलों में खाद की आपूर्ति कर दी गई है लेकिन कई जगहों पर अभी भी खाद की मारामारी है। संभल में सुबह 5 बजे से ही खाद के लिए किसान लाइनों में लग गए फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही तो उनका धैर्य जवाब दे गया। लेना है साहब। कितने बजे आए हुए हो? सुबह के 7 बजे आ गए। अच्छा, मिल गई डाई? अब कितना टाइम हो रहा है? तो शायद में 10 बजे रहूंगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है? ये तो यहाँ मिलन नंबर ही ना आ रहा, भीड़ बट रहा है वैसे। हाँ, बट रहा हूँ। सीतापुर में ये तस्वीर दिखाई थी। डीएपी खाद के लिए किसान परेशान थे लेकिन डीएपी खाद आ जाने के बाद भी किसान साधन सहकारी समिति पर ताला बंद होने के चलते लाइन में खड़े दिखाई दिए। साधन सहकारी समिति के सचिव खाद बांटने नहीं पहुंचे जिसके चलते किसान परेशान है। किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि डीएपी खाद आ गई है लेकिन सचिव खाद बांटने के लिए नहीं पहुँचे। खाद लेने तो यहाँ खाद मिली? यहाँ ताला पड़ा था। खाद उपलब्ध है? अभी माँ भरी पड़ी। तो सचिव कहाँ गए? सचिव आए नहीं। उधर बांदा में भी खाद को लेकर मारामारी नजर आई। यहाँ खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम लगते ही सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गई। दरअसल खाद के लिए किसान कई दिन से मंडी समिति में पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। आखिर में आक्रोशित किसानों ने सड़क जाम कर दी। से भूखे पड़े हैं यहाँ, क्या करें? खाद नहीं मिलती, लड़के बच्चे सब परेशान कर छोड़कर भूखों मर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। उधर खाद पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गोंडा पहुंचे। उन्होंने किसानों की खाद की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उधर प्रियंका गांधी ने भी खाद की किल्लत को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये रबी फसलों की बुआई का पीक सीजन है और हमेशा की तरह फिर भी पूरे देश में उर्वरक खाद का संकट पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। किसान अपने खेतों में काम छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी खाद के मुद्दे पर सियासी हथियार बना चुकी है। पीडीए जो है वो भी डीएपी नजर आ रहा है, पीडीए और डीएपी में नजर नहीं आ रहा इनको कुछ भी, इसीलिए आज किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। साफ है खाद का मुद्दा अब सियासी हो चुका है। हालांकि कई जिलों में खाद की आपूर्ति हो चुकी है लेकिन कुछ शहरों में अभी भी किल्लत है। किसान परेशान है तो उधर सियासी दलों को अच्छा मुद्दा हाथ लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।